हे गाइस, आप देख रहे हो फंडा द टैक। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एयरफोन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि इस ज़माने में तरह तरह के एयरफोन्स आ चुके हैं, मार्केट में काफ़ी डिमांड है और लगभग सभी युवाओं के पास एयरफोन्स होते हैं जो अपने कानों में लगाकर बात करते हैं या म्यूज़िक सुनने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें, दिन प्रतिदिन कान में होने वाली समस्याएं और सड़क में जो दुर्घटना हो रही है उसका कहीं ना कहीं कारण एयरफोन ही होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एयरफोन से हमें क्या क्या नुकसान होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, एयरफोन को अगर हम लगातार सुनते हैं तो इससे हमारे 40 से 50 डेसिबल तक हमारे कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। डेसिबल जो होती है हमारे कान की सुनने की क्षमता का एक माप होता है। अगर हम 40 से 50 डेसिबल तक अगर हमारी सुनने की आवाज़ कम हो जाती है तो समझ लीजिए कि हमें बहरापन होने लगा है। इसके अलावा आपको बता दें, इससे कान का पर्दा भी वाइब्रेट होने लगता है, दूर की आवाज़ सुनने में परेशानी होती है। दूसरी बात है कि आज लगभग 50% युवाओं के कान की समस्या का कारण एयरफोन्स है। अत्यधिक प्रयोग करने से कान में दर्द, सिर में दर्द, नींद आने जैसी समस्याएं आम हो चुकी है। यदि आप लगातार एयरफोन को यूज करते हैं तो आपको एक घंटे में कम से कम 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के एयरफोन्स होने चाहिए या हेडफोन्स होने चाहिए। ईयरबड की बजाय आपको हमेशा एयरफोन्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि ये बाहरी कान में लगे होते हैं। आपको बता दें, तेज आवाज़ में संगीत सुनने से मानसिक समस्याएं तो ग्रसित होती ही है, साथ में हृदय रोग और कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां सामने आने लगती है और यह बाहरी भाग के कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अंदरूनी हेयर सेल्स को भी तकलीफ पहुंचाता है। उम्र बढ़ने के साथ सारी बीमारियाँ सामने आती हैं। आपको बता दें, यदि आप 90 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि सुनते हैं, वो भी 40 घंटे, तो आपको याद रखना होगा कि आपके कान के सेल्स डेड हो जाएंगे और आपका बहरापन हो जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टरों के अनुसार इनसे ज़्यादा उपयोग करने से कानों में अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती है, जिसमें कान में छन छन की आवाज़ आना, चक्कर आना, रात में थोड़ी कानों में आवाज़ आनी, सनसनाहट, नींद आना, सिर और कान में दर्द आदि मुख्य शामिल है। तो आई होप दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि एयरफोन्स का इफेक्ट हमारे कानों पर कितना करता है, इसका साइड इफेक्ट कितना ज़्यादा है। तो आप भी अगर लगातार एयरफोन्स का यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम करें ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। आई होप दोस्तों, वीडियो को पसंद आया होगा। हम इसी तरीके के वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।